हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एरिसाइट पे। अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 7 एप्लीकेशन है जो हर एक यूट्यूबर के फ़ोन पे ज़रूर होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को आप 4K तक भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिसमें कि एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए ओपन कैमरा बहुत काम का चीज। ओपन कैमरा में एक सेटिंग है जिसमें कि सपोर्ट एक्सटर्नल ऑडियो, जिसमें कि आप उसको ऑन करने के बाद आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक आप उसमें अपने फ़ोन पर लगा के आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को, और ये काफ़ी हाई क्वालिटी और हाई रिजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करके देता है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए हाई क्वालिटी वीडियो ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हाई क्वालिटी वीडियो नहीं होगी, अगर वीडियो का रिजोल्यूशन सही नहीं होगा, तो वीडियो का एवरेज व्यू कम हो जाएगा, वीडियो का एवरेज व्यू बिल्कुल ही धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को मज़ा ही नहीं आएगा। अगर वीडियो का क्वालिटी अगर सही नहीं आया, वीडियो का रिजोल्यूशन अगर सही नहीं आया, तो ऑडियंस आपके वीडियोज़ को देखेंगे ही नहीं। तो चलिए हमारे अगले जो नंबर 2 पे हमारा जो ऐप है उसके बारे में बात कर लिया जाए, वो है आपका AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। सो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे क्या है कि आप कोई भी अपने स्क्रीन रिकॉर्ड अप करके अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं बेझिझक। ये भी आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। हर एक यूट्यूबर के लिए थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थंबनेल से ही हमें अपने वीडियोस में ऑडियंस मिलते हैं। थंबनेल अगर अच्छे नहीं होंगे, थंबनेल अगर मीन्स क्लिकेबल नहीं होंगे, तो हमारे वीडियोस में ऑडियंस नहीं आएंगे, सो हमारे वीडियोस को देखेगा ही नहीं। सो एक अच्छे थंबनेल के लिए, अच्छी क्वालिटी थंबनेल के लिए जो आपको एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है कैनवा। सो कैनवा में आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में साइड में दिखा रहा हूँ, आप उसमें देखिए कि कैनवा में आप यूट्यूब थंबनेल से लेके जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, बैनर किसी भी तरह के आप उसमें बैनर वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल आर्ट कुछ भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है, इसको आपके फ़ोन में ज़रूर रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऐप के बारे में, जो कि है काइंड मास्टर। आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो कैमरा से हो या फिर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हो, अपने थंबनेल का भी सोच लिया क्या थंबनेल डालना है। सो फ़ोन में आप वीडियो को एडिट करने के लिए आप काइंड मास्टर एक एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हर बेसिक से लेके प्रो सब इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी टू यूज़ है, हर तरह के आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं वीडियो की, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप, कोई जैसे भी चाहे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। सो आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसका एडिट भी कर लिया, तो अब बारी आती है यूट्यूब में अपलोड करने का। तो अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होगा यूट्यूब का अच्छा सा एक आपको टाइटल चाहिए है, डिस्क्रिप्शन चाहिए और टैग्स चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। अगर आपका अच्छा टाइटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, टैग्स नहीं होगा, तो फिर यूट्यूब सर्च पर आपका वीडियो आएगा ही नहीं। सो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, जो कि है ट्यूबबडी। ये आप मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लस आपको क्रोम में एक एक्सटेंशन मिल जाता है, उसमें से भी आप ट्यूबबडी का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ट्यूबबडी के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना कर जरूर दूंगा, आपको अगर चाहिए हो जल्दी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और कैनवा के बारे में जो मैंने बताया था, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सो ट्यूबबडी से आप सजेशंस आपको मिलती है कि आप किस तरह के कीवर्ड यूज़ करिएगा, आपको टाइटल किस तरह का देना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक यूट्यूबर के लिए। आप दूसरे चैनल्स के टैग्स भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के टैग्स यूज़ किया है, उनका कौन सा टैग ज़्यादा रैंक कर रहा है, उन टैग्स को आप अपने चैनल पर लगा के आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि है टैग यू में आप अपने जो भी टाइटल्स हैं अपने वीडियोस के, उसको आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे उसमें सजेशंस मिल जाएंगे टैग्स के, उसको आप चाहे तो कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अपने जो यूट्यूब वीडियो जहां आप अपलोड कर रहे हैं उसमें जो टैग सेक्शन है उस पर आप
उसको पेस्ट कर दिए, या फिर आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ भी कर सकते हो, या फिर इसको आप फेसबुक के लिए अगर फेसबुक में कुछ पोस्ट करें उसमें आपको हैशटैग यूज़ करना है उसमें कीजिए, इंस्टाग्राम में अगर आपको हैशटैग यूज़ करना है तो सेम प्रोसेस में आप जाके आपने जो भी कीवर्ड है जो भी टॉपिक है आप उसमें टाइप कीजिए, उस पर सर्च कीजिए, उस पर आपको सजेशंस कीवर्ड मिल जाएंगे, उस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद आप सीधे जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आपको उसको पेस्ट करना है आप करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप उसको पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी सारी चीज़ें हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई, हमने वीडियो को एडिट भी कर लिया, अपलोड में जाके हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा चीज़ दे दिया, वीडियो को कम्प्लीटली अपलोड कर दिया सब सारे प्रोसेस से। उसके बाद आती है वीडियो की एनालिटिक्स को चेक करने की, वीडियो में कितने व्यूज हुए, कहाँ से व्यूज हुए, कौन से ऑडियंस आए, कौन से कंट्रीज में व्यूज देखे, क्या कितने मेल फीमेल एसी में भी वीडियोज देखे, कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिससे सर्च करके हमारे वीडियोज में ऑडियंस आ रहे हैं, और भी काफ़ी और भी कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे वीडियो को सजेस्ट कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन है जो कि है YT स्टूडियो, ये तो आपके ऐप फ़ोन पे ज़रूर होनी चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप चाहे तो इसमें आप फ़ोन से टाइटल्स को ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, टैग्स को डाल सकते हैं फ़ोन में ही, और आप चाहे तो थंबनेल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कस्टम थंबनेल डालना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू डाल सकते हैं। सो ये कुछ 7 एप्लीकेशन थे जिसको आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए, अगर अब तक आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और मैं आपको 2 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आप बने हुए मेरे चैनल के साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको और 2 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो 2 एप्लीकेशन है, एक आपका गूगल ट्रांसलेटर जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको, जैसे कि आप हमारे इंडिया में जो कि है लोग इंग्लिश और हिंदी को मिला के सर्च करते हैं इंग्लिश में, तो आप थंबनेल में अगर आप इंग्लिश के साथ हिंदी टेक्स्ट भी डालना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में जाइए, उसमें जाकर आप इंग्लिश टाइप कीजिए, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी पे, वहाँ से कॉपी करने के बाद आप थंबनेल में उसमें पेस्ट कर दीजिए, या फिर आपको टाइटल में पेस्ट करना है उसमें पेस्ट कीजिए, आपने टेक्स्ट में पेस्ट करना है उसमें पेस्ट कीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है हिंदी में तो सिंपली आप गूगल ट्रांसलेटर में जाइए, उसमें इंग्लिश में टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आपको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, आप उसको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टेक्स्ट टाइटल किसी में भी आप डाल सकते हैं। सो ये एक काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। सो अगला जो एप्लीकेशन के बारे में वो बताने वाला हूँ वो है आपका ड्रॉ स्किन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर जो भी ये खास करके उन यूट्यूबर्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं अपने मोबाइल के पास, उनके पास व्हाइट बोर्ड नहीं, वो अपने मोबाइल के थ्रू ही पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल है। ये एप्लीकेशन का नाम है ड्रॉ स्किन को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको लिखने के लिए पेंस मिलेंगे, इरेजर मिलेंगे, आप इसको चाहे तो अपने फ़ोन पे लिख सकते हैं, लिख लिख के पढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए जो कि YouTube में क्लास लेते हैं, YouTube में कुछ बताते हैं, जिनको लिखने का ज़रूरत पड़ता है, जिनके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, अपने फ़ोन से ही पढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में YouTube से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, जैसे YouTube में कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और भी कुछ वीडियोस हैं जिसको कि आप देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद YouTube ट्यूटोरियल एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन कीजिए, ओपन करके आप उसमें से जो भी वीडियोस है आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।